हेलो हेलो गाइस, गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का चैलेंज 100 गोलगप्पा चैलेंज, 50 गोलगप्पा इधर 50 चैलेंज। इधर। तो गाइस, ये है गोलगप्पा और ये है उसका पानी। पानी और आज हमने गोलगप्पा में ही चोखा चोखा पहले पहले से से भर ही के भर के रखा है। रखा है। तो इससे पहले कि हम अपना चैलेंज स्टार्ट करें, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर सब्सक्राइब कर लीजिए लीजिए जल्दी से, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वो तो जरूरी है। वो ज़रूरी है और ये बोलना भी हमारा ज़रूरी है। तो पहले जो गोलगप्पा का चैलेंज के लिए जिन्होंने रिकमेंड किए हैं उनका नाम सुन लिया तो जाए। 100 गोलगप्पा चैलेंज के लिए जमुना गोहेल, माई चौको वर्ल्ड, सुहानी राज, अमिता गुप्ता, नीतू शर्मा, जीनत खान और प्राची शुक्ला जी ने कमेंट देखिए, किया था। इतने लोगों ने कमेंट किया था। तो आज चलिए, आपकी भी बारी आ गई गोलगप्पा की। तो मेरे साथ है मेरा बड़ा बेटा, और तो तो चलिए स्टार्ट करते स्टार्ट हैं। करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है गाइस, बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि आपकी बेटी है कि नहीं। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारी बेटी नहीं है, हमारे सिर्फ दो बेटा है, ये बड़ा है और एक इसे छोटा है। तो बस हम लिख लिख करके, जवाब दे करके बहुत लोगों को थक चुके हैं, लेकिन आज सामने से बता रहे हैं कि हमारी बेटी नहीं है, हमारे सिर्फ दो बेटा है। तो चैलेंज स्टार्ट करें। और नहीं, हाँ, तीन कमेंट लास्ट में लास्ट में, जब हमारा चैलेंज खत्म हो जाएगा तो तो पूरा तीन वीडियो देख कमेंट। लीजिएगा, पता पूरा चल वीडियो जाएगा प्लीज किसका आप पढ़ रहे लोग हैं आप। पूरा वीडियो देखा करिए गाइस। तो देखिएगा जरूर पूरा वीडियो। रेडी, थ्री। आपका, रुकिए रुकिए, एक सेकंड एक सेकंड, आपका मसाला इसमें होगा। हाँ, ठीक है। रेडी। कोई नहीं, कोई नहीं कुछ कोई नहीं नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। थ्री टू वन स्टार्ट। वाह, स्टार्ट, फर्स्ट बाइट। खट्टा, चटपटा। मेरे ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट बहुत अच्छा है। पानी खट्टा है। क्रंची हुआ, काफी अच्छा हुआ। मिट्टी मिर्ची तो लगा, लेकिन खट्टा की वजह से ना दांत में रहा। कोटिंग।
मेरा पानी ख़त्म नहीं हो रहा, मेरे में ज़्यादा कुआं था क्या, उलट के भरे थे। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन पानी की वजह से ना पेट पूरा फूल जाता है। खाते वक्त नहीं हंसना चाहिए, मुंह बंद करके खा लीजिए। क्या करें, आई आवाज नहीं, पानी है बेटा, घुस ही नहीं रहा, बड़ा सा था तो छोटा भी है। चूस करके खाने लगे तो जीत गए। तो जीतना क्या है आजकल, आप हमसे तो रोज ही जीत रहे हैं, क्या हो गया आज हार जाइएगा तो? आप हमसे उससे भी जीत रहे हैं, मेरा भी इतना सारा है। अब और नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं। 3, 6, 9, 25, अभी देख हम सिर्फ 25 का, क्यों मेरा 25 पे ही अटक जाता है? मोमोज 25, गोलगप्पा 25, आपका भी गिन दे, 6, 8, 10, सत्रह, 16, नहीं सॉरी, बस करो, पेट भर गया, हम हार गए, अब नहीं होगा। 15, आप जीत गए, बस करिए। तीखा भी लगा, आपको तीखा नहीं लग रहा? नहीं, मजा आ रहा था ना आज, खूब मिला गोलगप्पा खाने को, मिला। हम गोलगप्पा एक्चुअली खाते नहीं है जल्दी, लेकिन आज फिर भी खाए, जीतने के लिए। जीतने के लिए तो आप जीत चुके हैं, तो गाइस ये जीत चुके हैं, हम तो हार लिए, हार लिए क्या, हार गए, इनका 15 बाकी है और मेरा, हम तो भी एक खाए, क्या था 25, तो 24 मेरा बचा हुआ है, तो 14 मेरा बचना चाहिए। या पेट पूरा फूल हो चुका है इनका, तो हम लोग पहले हाथ को क्लीन कर लेते हैं, फिर कमेंट के लिए हाजिर होते हैं। तो अब है कमेंट की बारी, तो पहला कमेंट है सीमा गुप्ता जी का, ये तो लिखती हैं, आंटी आप बहुत ही क्यूट हो, आपका हर वीडियो बहुत ही अच्छा होता है, आपके गाल बहुत गुल्लू फुल्लू हैं, आंटी आप साउथ इंडियन फूड चैलेंज करिए जिसमें इडली डोसा आपे सांभर वड़ा उत्तपम हो, प्लीज ये चैलेंज करें प्लीज, और आपका मोमोज चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुल्लू फुल्लू सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ ज़रूर करेंगे, आपका जो साउथ इंडियन फूड का जो आपने चैलेंज दिया है हमें, तो ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपे ये भी खाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी पहले से भी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, डायरी भर गया, डायरी पूरा भर चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, इसलिए कि हम बनाने वाले बिल्कुल अकेले हैं, और आप लोग तो कमेंट बहुत लोग करते हैं, तो थोड़ा सा हम उस तरह से नंबर लगा करके रखते हैं, ठीक है,
तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, नहीं तो पता चला कि हमने आपका कमेंट किसी भी वीडियो में डाल दिया और आप देखे ही नहीं, तो इसलिए वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू। दूसरा कमेंट है राजकुमार जी का। नमस्ते आंटी जी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा चैलेंज किया है आपने। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप अपना कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना छोड़िएगा और भूलिएगा। अब तो लास्ट कमेंट है ये आशु करकी जी का है। ये लिखती हैं, आंटी आप बहुत अच्छे से खाते हो और आपकी वीडियोस मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है, और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही बोला है। और आंटी आप नेक्स्ट चैलेंज मटन का करें प्लीज। आंटी लव यू फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माय फैमिली। थैंक यू आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। हाँ जरूर करेंगे, बट एक ही बात हम आपसे भी बोलेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, तो करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, सभी का कर रहे हैं हम वीडियो, तो आपका भी करेंगे, बहुत जल्द बनेगा। बीच में देखिए दिवाली और छठ भी आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग उस ध्यान दीजिएगा। और हाँ हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और अभी तो दीपावली आ रही है, तो नॉनवेज वगैरह तो पहले से जो वीडियो बना हुआ है वो जाएगा, लेकिन अभी जो नॉनवेज है वो थोड़ा सा पेंडिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब छठ पूजा के बाद ही नॉनवेज की वीडियो बनेगी, लेकिन हाँ पहले से हमने पहले भी बोला है कि जब भी कोई पर्व आता है उसके पहले हम वीडियो नॉनवेज का बना करके रख लेते हैं, और उसी दौरान कुछ वीडियोज जाते रहता है। इसलिए कि हम बंद नहीं कर सकते हैं ना, कुछ लोग हमारे वीडियो देखने वाले हैं, नॉनवेज के भी वीडियो पसंद करते हैं, कुछ वेज के भी। तो वेज वाले बोलते हैं कि इस टाइम पे आप नॉनवेज वाला खाई हैं, नॉनवेज खाती हैं आप, ऐसे है वैसे, तो ऐसा नहीं तो है। हम लोग पहले ही बना हुआ रहता है, वही अपलोड कर दिया जाता है बाद में। तो हमें दोनों लोगों का ध्यान रखना होता है, वेज वाले को भी और नॉनवेज वाले को भी, तो इसलिए हम पहले ही बना करके रख लेते हैं। तो चलिए आपका भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे मटन का। तो बस आज का कमेंट यहीं तक समाप्त होता है और आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।